योग जिम्नास्टिक्स नहीं है, सच बात। इसमें कई बार लोग बहुत कम समय के लिए योग सीख करके अब सिखाने की एक उनमें रस ज्यादा आने लगता। पहले अभ्यास करें कि ना करें, वो दूसरों को सिखाने में हम माहिर हो जा चाहते हैं। इस चीज को हमें रोकना बहुत आवश्यक है। जितने व्यक्ति अपने योग में मजबूत होते हैं, अपने में ठहराव आता है उनका, उतना ही ज्ञान अपने आप उनसे प्रस्फुरित होने लगता है, दूसरों को अपने आप पहुंचने लगता है। हम मौन नहीं रहते तो दूसरों को मौन रहो बोलने से नहीं हो पाता। हम प्रसन्न नहीं है तो दूसरों को अरे भाई मुस्कुराते रहो, अंदर से गुस्सा है जैसे आपने कहा क्रोध उबल रहा है, दूसरों को हम कह रहे शांत रहो, संभव नहीं है। इसलिए योग एक पूर्ण विद्या है जिसमें हमें व्यक्तित्व निर्माण के लिए इसका उपयोग है। इस काम पे आप सबको लगना पड़ेगा। देखिए और लोग जो करते हैं उसको एक किनारे रख के, आप कम से कम आप निष्ठावान हो के आप इस पे लग जाए, मधुर मधुरता आनी चाहिए। योग करने वाले गाली गलौज दें, वाणी में उनकी कर्कशता रहे, तो फिर वो योग नहीं है। योग कहीं तो कहीं कुछ कमी पड़ गया। जिसके वाणी में मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में सौमनस्यता होनी चाहिए और वातावरण में एक सकारात्मक भाव जागना चाहिए। जहां एक योग शिक्षक जाते हैं वहां वातावरण सकारात्मक हो, बदलना चाहिए। ये आप अपना क्राइटेरिया रखिए।